ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में आप देख सकते हो ये 70 से 75 ग्राम दाल ले ली है अरहर की। अब सबसे पहले इसको हम वॉश कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और दाल को अच्छे से धो लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से धो लिया, आप देख सकते हो इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका हम शुरू कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक कुकर ले लेंगे और ये अच्छे से साफ करी हुई दाल कुकर में ऐड कर देंगे पानी के साथ में, और इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर लेंगे इस तरह से, लगभग 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसको कर लेते हैं हम कवर इस तरह से। अब हमने यहाँ पे गैस का टर्न ऑन कर दिया है, तो कुकर को चढ़ा लेंगे हम चूल्हे में और गैस को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसमें 3 सीटी आने देंगे। तो 3 सीटी कंप्लीट होने के बाद हम इसको खोल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो ये दाल पक चुकी है। तो गैस का टर्न ऑन कर लेते हैं और ये पैन चढ़ा लेते हैं चूल्हे में। पैन जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये तेल, लगभग 1 चम्मच। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे हम ये 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 6-7 करी पत्ते, और इनको थोड़ा सा हम चला लेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे लहसुन को अच्छे से। जैसे ही लहसुन पक जाए तो इसमें हम ये एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। तो प्याज सुनहरी हो चुकी है, तो इसमें ये एक बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर लेते हैं और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा टमाटर और मिर्ची को भी पका लेते हैं अच्छे से। तो टमाटर और मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। याद रखें हमने पहले दाल में भी नमक डाला है, तो उस हिसाब से आप नमक डालिए। तो चलिए इन मसालों को भी थोड़ा सा पका लेते हैं प्याज और टमाटर के साथ में। तो अब मसाले भी पक चुके हैं, तो ये कुकर में उबाली हुई दाल हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और दाल में थोड़ा सा ये हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड कर देते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो चलिए दाल को थोड़ा सा पकने देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ी देर हम कवर कर लेते हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन खोल लेते हैं। वाओ, दाल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो भाई यहाँ पे ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देता हूँ ऊपर से, और भाई इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है इसमें। अब इसको मैं सर्व करूँगा कुल्हड़ में, तो जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें सर्व करूँगा भाई, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इसको सर्व करूँगा भाई। मुझे मिट्टी के बर्तन में खाना खाने के लिए बहुत मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इस दाल को कुल्हड़ में सर्व कर लेता हूँ। तो दाल को अब मैं नीचे निकाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इन कुल्हड़ में मैं दाल सर्व कर लूँगा। मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है इसमें। आप चाहो तो इस दाल को ऐसे भी सूप के तौर पे पी सकते हो, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो इनको सर्व कर लेता हूँ मैं 2 कुल्हड़ में। तो
तो यहाँ पे मैंने दाल को थोड़ा सा पतला रखा है। अगर आपको थोड़ी सी जाड़ी दाल चाहिए तो आप इस दाल पकाते समय पानी थोड़ा कम डालिए। तो भाई ये ढाबा स्टाइल दाल यहाँ पे देख सकते हो तैयार है बिल्कुल। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देता हूँ इसके ऊपर से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको कुल्हड़ में सर्व किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसी ही एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय दोस्तों।